तो यार ये भाई लोग मिले हैं। कैन यू टेल योर नेम? योर नेम? माय नेम इज इलियास। इलियास? हाँ इलियास भाई हैं। हाँ नियत? यार ये थोड़ा शर्मा आ गए। हाँ नियत प्रॉब्लम, नियत प्रॉब्लम। इंडिया के ट्रिप की बता रहे हैं। यू लाइक इंडिया, लाइक ट्रैवल इन इंडिया? हाँ गुड। एंड बिरयानी? आई लाइक चपाती। Я знаю. Это как написать? Нет. City. Нет. Ага. Бай, это чеченцы के लोग हैं। मेरे को अपनी सिटी बता रहे हैं। भैया सिटी बहुत अच्छी। भाई काफी काफी सही लोग हैं यार यहां पे। मिनिया इंदुस। दादा दादा बता रहे हैं अभी। ये तीन जनाब हैं मेरे साथ। भाई मस्त है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर? где-то यार आप चेहरे पे स्माइल देख रहे होगे। भाई चेचन लोगों से मिला मैं अभी, बातचीत करी। बातचीत तो काफी लंबी करी, मैंने ब्लॉग पे नहीं दिखाया कुछ क्योंकि यार वो शर्मा रहे थे थोड़ा। उन्होंने कहा था यूट्यूब नियत। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो यार, किसी को इतना अनकंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल होते तो खुद बोल देते, बट वो थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि यार चेचन लोग अपने आप में काफ़ी रिजर्व लोग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो ऐसे मतलब पूछ लेना चाहिए यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। और मेरा कैमरा भी थोड़ा बड़ा है, अगर गोप्रो टाइप होता तो पता नहीं चलता, तभी ये कैमरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लोग थोड़े कॉन्शियस से हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हमने चेचन लोगों से बात करी, वही अपने आप में एक विक्ट्री है। चेचन लोग जिंदाबाद, बढ़िया, अच्छी बात है। भाई ये मॉस्क को ना क्या गजब बना रखा है, मतलब अमेजिंग सा बना रखा है। और यहाँ पे टाइल वर्क इतना मस्त बना हुआ है। आई थिंक ये जहाँ तक मैं इस बुक में पढ़ रहा था, ये इस मॉस्क में या फिर जो इसकी सिटी वाले मॉस्क में है वहाँ पे ग्रीक स्टोन्स यूज़ करे गए हैं, जो मंगवाए थे इन्होंने ग्रीस से शायद, और इसमें यूज़ हुए हैं। और यार ये मिनरेट्स देख सकते हो ऊपर, और भाई मस्त, बहुत अजीब, बहुत अलग सा ही लग रहा है। ये मेरे को टर्की की याद दिला रहा है, जो टर्की में जो मॉस्क है और जो आबू धाबी में मॉस्क है उसकी याद दिला रहा है। और यार यहाँ पे प्रे कर रहे हैं लोग, तो मैं इतना अंदर की तरफ नहीं दिखाऊंगा। देख पा रहे हो आप रशियन फ्लैग, और यहाँ पे इनका चेचनिया का फ्लैग, और उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रेसिडेंट, इन दोनों की फ़ोटो लगी हुई है। और ऐसा कुछ सा है भैया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसकी फ़ोटोग्राफ ले रहा था मैं, क्योंकि मैं आपको प्रेसिडेंट दिखाना चाह रहा था जो व्लादिमीर पुतिन हैं और आप ही के हैं, अहमद खाइदरोव के बेटे, उनकी फ़ोटो दिखा रहा था। और एक जनाब आए, भैया पे चेचन जो सोल्जर्स और जो पुलिसमैन है ना यार, ये बड़े तगड़े से होते हैं, जैसे अपने मान लो अपने जैसे यार अपने हरियाणवी नहीं तगड़े टाइप होते हैं, रेसलर टाइप दिखते हैं। क्योंकि यार दागेस्तान में अगर आपको पता है तो UFC के फाइटर खबीब भी वहीं से हैं। उनका पूरा नाम मेरे से बोला नहीं जाएगा, खबीब मैं बोलूँगा नहीं यार क्योंकि मेरे से प्रोनाउंस नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई जनाब आए इतने बड़े से खरांट से, और मेरा तो वेट ऑलरेडी लूज हो चुका है, मैं तो पतला सा लग रहा हूँ अभी। आए इतने, मेरे को लगा भाई अभी आज तो तेरी भाई पिटाई हुई, आज तो कुश्ती हो जाएगी। आए कहते लाइक उन्होंने कुछ रशियन में बोला, पूछा होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने बोला मिनिया टूरिस्ट इंडिया, और तो हंसने लग गए भाई कि अच्छा दा 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 पनीमायत। फिर मैंने कहा नियत प्रॉब्लम ब्रात, लाइक आई विल गो, इज लाइक नो प्रॉब्लम, लाइक ले लो यार आप पिक्चर। तो यार दूर से तो इतने इतने गुस्से वाले लग रहे थे, बट पास से आए तो ऐसे हंसने से आराम से बात कर रहे हैं मस्त से। शाम में ना एक वो होता है कि ये हंसते नहीं है बेफालतू में, बट आप उनको जान जाओ तो फिर वो बड़े फ्रेंडली से होते हैं। बट यार ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर मत करना, कहीं आपको एक्चुअली में पकड़ लें। यार मैं ऐसी हरकतें करता हूँ ब्लॉग के लिए, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यू देख लो आप,
जो आप देख चुके होंगे, बट यार जितना देख लो उतना कम है। मस्त सा लगता है, अरे कॉन्ट्रास्ट है, एक मॉस्क और सारी बिल्डिंग्स, ये सारे होटल्स हैं जो मेरी हैसियत के बाहर हैं अभी। और यार ये जो सिटी का नाम भी है ना, ग्रोजनी, आप कहोगे ये नाम कहाँ से आया, ये नाम आया आइवान ग्रोजनी से। आइवान ग्रोजनी में समझाऊँ तो आइवान द टेरेबल, अगर आपको याद है, आपने मेरी सेंट पीटर्सबर्ग की वीडियो देखी है तो वही सेम शख्स हैं, मॉस्को की वीडियो देखी है तो आइवान द टेरेबल वही सेम शख्स हैं जिन्होंने जो रेड स्क्वायर में अपना कैथीड्रल बना हुआ है, सेंट बेजल्स कैथीड्रल, उन्होंने जब वो वर्कर्स से बनवा लिया था तो आंखें निकाल दी थी, जैसे अपने शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए जब ताजमहल बनाया था तो हाथ कटवा दिए थे, वही सेम चीज़ है। तो उनके ही नाम पे ये सिटी रखी गई है, ग्रोजनी, आइवान ग्रोजनी। समझ गए होगे भाई, समझदारों को इतना काफ़ी होता है। और जो यार मैं प्रेसिडेंट बता रहा था ना, वो ये हैं रमज़ान कायद्रोव, और इनके फादर थे अहमद कायद्रोव। तो ये मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो दी हुई है, ये हैं प्रेसिडेंट चेचनिया के, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है रशियन में, इंग्लिश में। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से आप ले सकते हो अगर आ रहे हो तो, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। तो 1991 के बाद जब बंटवारा हुआ था सोवियत यूनियन का, तो जो सेपरेटिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, उनके कुछ आइडियल्स और मॉरल्स अलग थे, उनको अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए थी। कुछ मैं कहूँगा सिमिलरिटी है टू अपने जैसे कश्मीर है, मतलब प्रॉपरली तो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि जैसे इंडिया में कश्मीर को थोड़ी सी पहले ऑटोनॉमी दे रखी थी, वैसी यहाँ पे दे रखी है व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ के प्रेसिडेंट को, तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब। और ये डेवलपिंग है मैं कहूँगा, और इनका जो आइडियोलॉजी है और थिंकिंग है, ये नॉर्थ कॉकेसस वाली कंट्रीज से और कॉकेसस रीजन से ज़्यादा मिलती जुलती है देन रशिया से। नॉर्थ कॉकेसस के अपने रिपब्लिक्स हैं, जैसे नॉर्थ ओसेटिया तो चलो क्रिश्चियन है, मैं कहूँगा क्लोज टू कहूँगा इंगुशेटिया और दागिस्तान, इनसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। करूँ कश्मीर सबसे ज़्यादा क्लोज आएगा इसके, क्योंकि अपनी कश्मीर में भी काफ़ी वॉर्स हुई हैं, उसको भी इंडिपेंडेंस चाहने की कोशिश करी गई है, वैसी चेचनिया में करनी गई है। और यार यहाँ के खुद के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं और काफ़ी ना खरांट से, इतने बड़े बड़े से लगते हैं, क्योंकि पुलिस प्रेजेंस काफ़ी है यहाँ पे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे और कोई टेररिज्म या वायलेंस होए, तो पूरे टाइम आपको पुलिस कार्स यहाँ पे दिखते रहेंगी। मैंने पूरे रशिया में इतनी पुलिस कार्स नहीं देखी जितनी यहाँ पर मैंने ग्रोजनी चेचनिया में देखी है। तो ठीक है, ये बताना था। आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो मेन होंगे उनकी ना ऐसे दाढ़ी होती है जैसे इस्लामिक लोगों की होती है, मुस्लिम्स की दाढ़ी होती है बड़ी सी थोड़ी सी, और यहाँ पे बीच में नहीं होता, तो ऐसी है। और यार वो मेरे को यहाँ पे तो यही समझते हैं कि मैं भी मुस्लिम ही हूँ, मतलब मैंने जब बताया था अपने हॉस्टल में कि मैं इंडिया से हूँ तो कहते हैं मुस्लिम, मैंने कहा नियत हिंदू, उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यार, हिंदू मुसलमान ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और अब विमेन को भी देखोगे, मैं बहुत पास से नहीं दिखाऊंगा, बट ऊपर उन्होंने अपना सर ढका हुआ है, क्योंकि यार ये कंजर्वेटिव जगह है, तो जैसे अपने दुबई में होता है, सऊदी अरब में होता है, सऊदी अरब में तो बल्कि पूरा बुरखा ही पहनते हैं लोग, ये थोड़ा तब भी मॉडर्न हो चुकी है जगह, बट यहाँ पर लड़कियों ने और विमेन ने अपना सर ढका हुआ होता है। और कुछ इनके ट्रेडिशंस हैं और कुछ मनाइयाँ भी हैं, जैसे यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं कर सकते, सुपरमार्केट्स पे भी आपको मिलेंगी नहीं, तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब। और ये डेवलप हो रहा है, मैंने ऐसी बिल्डिंग्स देख रहा हूँ मैं, मेरे को लगता है नेक्स्ट दुबई बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची इमारतें बन रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैं बोलूँ तो सब सही है, बट यार रशिया वाली वाइब नहीं है यहाँ पे कसम से, मेरे को तुर्की या फिर दुबई वाली वाइब आ रही है, जबकि मैं तुर्की गया भी नहीं हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ दिस मॉस्क मेरे को तुर्की वाली वाइब आ रही है। बाकी लोग अच्छे हैं, बट यार उनको कैमरा पे लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आप लोग कहोगे कि भाई आपने काउच सर्फिंग क्यों नहीं करी, भाई मैं काउच सर्फिंग पे मैंने रिक्वेस्ट कम से कम
सात या आठ लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करी थी, बट यार जैसे मेल और फीमेल्स होती हैं काउच सर्फिंग पे, फीमेल्स तो एब्सोल्युटली मना ही कर दिया, मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं आया मेरे को और मना हो गया, बिकॉज यार ये कंजर्वेटिव जगह है, कंजर्वेटिव रिपब्लिक है रशिया की। और जिन मेल्स को मैंने भेजी थी रिक्वेस्ट, उनका किसी का भी रिप्लाई नहीं आया मेरे को। मतलब एक का रिप्लाई आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है और आपको रशियन नहीं आती तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा इसके आगे मैं क्या बोलूँ मैं उनको। तो यार ये कभी कभी ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग में होता है कि यहाँ तो कभी आप बहुत लकी बन जाते हो कि आपको लोग बहुत मिल जाते हैं और कॉन्टेंट अच्छा बन जाता है, और कभी कभार अकेले मुसाफिर की तरह घूमना पड़ता है। बताओ आपको सच में मेरे को कैसी फील आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सोवियत यूनियन के साथ ना अरबिक वर्ल्ड को मिक्स कर दो तो ऐसी फील आ रही है मेरे को। मतलब मेरे को सच में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं रशिया में हूँ अभी। ऐसे सोवियत बिल्डिंग्स तो हैं सारी, बट मतलब प्रॉपर रशिया वाली फील नहीं है। A few moments later. तो यार जनाब मिले हैं भाई, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योर नेम। माय नेम मुतलो। भाई मुतलो भाई हैं एंड ही इज फ्रॉम टर्की, यहाँ रशिया भी घूमने आए हैं। यू कम फ्रॉम अजरबैजान राइट? या अजरबैजान, बिफोर टर्की जॉर्जिया अजरबैजान एंड बॉर्डर रशिया। ओह करशो करशो, आई गो फ्रॉम रशिया टू आर्मेनिया जॉर्जिया एंड देन मे बी टर्की इफ आई गेट वीजा। मे बी बट माई हाउस अंतालिया। You Antalya? Come, yeah, you come Turkey, uh-huh. Call, okay? Oh, perfect, perfect. No problem, my home, bye. Your home. And how do you know Russian so well? You learn? Like, your Russian is Ochen Karasho. Russia, maybe I am 20 days travel after back. Uh-huh. 20. No, but you learned Russian? Yeah, no Russian. You can speak Russian a little bit, right? Chuchet. Chuchet. Ah, same. No, I see. Same like me. भाई पिक्चर निकाल रहे हैं इसकी व्यू की, स्काई स्क्रेपर्स की। और भाई ऑफ द स्टॉप हिच हाइकिंग के बाप हैं भाई, सीरियसली काफ़ी हिच हाइकिंग करी है भाई ने। दिस मॉस्क हार्ट ऑफ चेचनिया, दादा वेरी बिगेस्ट, वेरी बिग, सेम सेम तुर्की इस्तांबुल, वेरी बिगेस्ट, हाया सोफिया, हाया सोफिया दा। भाई अभी टर्किश में व्लॉग कर रहे हैं, जो मेरे को बिल्कुल कुछ समझ आ नहीं रहा है। उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया अपने व्लॉग पे। भाई का चैनल भी नीचे दे दूंगा, अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, हालांकि टर्किश में होगा बट चेकआउट तो कर ही सकते हो। भाई ने भी बहुत ट्रैवल करा है। भाई मेरे को बता रहे थे इस्तांबुल में जैसे अपना आया सोफिया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और भाई का अच्छा, यू लाइक हाँ भाई मस्त है यार, बड़े हंसते खेलते हैं, बड़े मज़े आएंगे इनके साथ घूमने में। ताजमहल मीक, ताजमहल शाहजहाँ, मेरे को अपनी इंडिया की ट्रिप के बता रहे हैं। यू लाइक इंडिया, लाइक ट्रैवल इन इंडिया? लाइक इंडिया, हां गुड। एंड बिरयानी, आई लाइक चपाती। हां एंड भाई पाकिस्तान में भी ट्रैवल कर चुके हैं, लाइक यू ट्रैवल पाकिस्तान टू राइट? पाकिस्तान या हां पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान हिच हाइकिंग, हां पाकिस्तान रोड, इंडिया रोड, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। भाई यार पूरा ये हिच हाइक करके गए हैं कोविड से पहले। फैंटास्टिक ब्रथ, लाइक रियली गुड।